नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता रस्तोगी, बिग बॉस की आपकी एक सदस्य। आपके लिए कुछ बनाना था तो आज मैंने सोचा कुछ खास बनाती हूं आप सबके लिए। दोस्तों मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैं आज बनाने जा रही हूं आप सबके लिए बनाना चॉकलेट आइसक्रीम। जी हाँ, बनाना चॉकलेट आइसक्रीम। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, हमारे घर में चीज़ें भी थोड़ी सीमित मात्रा में हैं, तो उन थोड़ी सी चीज़ों में ही एक अच्छी सी डिश, एक अच्छी सी चीज़ कैसे बना सकते हैं, तो कुछ आइसक्रीम ट्राई करते हैं। खाने के बाद अक्सर हमें मीठा खाने का शौक होता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बनाते हैं बनाना चॉकलेट आइसक्रीम। उसके लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक केला लिया। केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, करीब एक या डेढ़, जो भी आप समझे क्वांटिटी के हिसाब से, काट के उसको फ्रीज़र में करीब 6 घंटे तक के मैंने फ्रीज कर दिया था। और इस तरीके से ये जो स्लाइसेस हैं इसके काफ़ी टाइट हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है। और अब उसको हम एक जार में लेंगे। ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप इसे कटोरी इसकी सहायता से, चम्मच की सहायता से हम इसे इसमें डालेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। मैं वैसे शुगर तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा शक्कर आप ऐड कर सकते हो। आप सबके लिए मैं थोड़ा सा, आधा चम्मच करीब, हाफ स्पून मैं इसमें शक्कर भी ऐड कर देती हूँ। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर, थोड़े से ये जो हमारे हार्ड चॉकलेट्स होते हैं मैं उसमें थोड़े से क्रंच करके उसको मैं डाल रही हूँ। जी हाँ, और उसके साथ ही मैंने थोड़े से बादाम भी डाले हैं इसमें। और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मलाई। बहुत यम्मी बनने वाला है, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप चाहे तो पूरा डाल दीजिए, 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है। और इसके बाद हम इसमें डालते हैं ठंडा दूध करीब 2 चम्मच। और अब हम इसको, और हाँ साथ में करीब 2 ड्रॉप, ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ चॉकलेट सॉस, दैट्स इट। अब हमारा ये बनने वाला है और हम इसको ढक के, यस, जार का हम ढक्कन लगाएंगे और इसे हम अब, जी हाँ मेरा यहाँ पे मिक्सी रखा हुआ है, इसे हम अब मिक्सी चला देते हैं। एकदम से तेज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके तेज चलाना है मिक्सी। बीच में हम इसे देख सकते हैं कि ये हमारा कैसा टेस्ट आ रहा है, ये देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आ गया। ये बिल्कुल रेडीमेड हमारा हेल्दी सा आइसक्रीम, चिप चॉकलेट बनाना आइसक्रीम तैयार है। एक बार और इसे हम कर ले सकते हैं, एक बार इसे हम चला दें। यस, तो देखिए हमारा मलाईदार, अब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए चिप चॉकलेट तैयार है हमारा। अब मैं आपको इसको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। मैं इसकी प्लेटिंग करके पहले से तैयार कर रख रही हूँ और आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। जी ये देखिए,
रेडी टू ईट एंड वेरी हेल्दी हमारा चिप चॉकलेट बनाना आइसक्रीम, आइए लीजिए। काफी फ्लफी होता है ये, कुछ क्रंची मैंने इसमें आइसक्रीम की चॉकलेट की डाल दी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये ठंडा स्वादिष्ट चॉकलेट बनाना आइसक्रीम, चिप चॉकलेट बनाना आइसक्रीम, लेट्स ईट, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा तैयार चिप चॉकलेट बनाना आइसक्रीम, तो खा के देखते हैं कैसा बना है। वेरी डिलीशियस। यू मस्ट ट्राई इट, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और जल्दी बनने वाली चीज़ भी है। थैंक यू। हेलो बिग बॉस, as per your instruction I am preparing a special dish for you guys. The name of the dish I will disclose later on. The ingredients for that dish is, this is gai ka ghee, this is sugar, not sugar, actually we use mashri or gur for the health purpose. Here is some ilaichi gadana and these are crushed coconut pieces and badam ke pieces, you just see. And for garnish I have taken some parts of all material and this is malai. And major ingredients of this is bread, you can take bread any brand. And for that I am preparing your boiling milk about half an hour to condense it to taki gaha ho jaye. So I will put some sugar in this milk. And after that I'll put some ghee in. After that I'll thoda sa main iska tal dunga isko, this is taki ye wo ho jaye. इसके तल जाने के बाद, जैसा भी इसके तल जाने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे, ऐसे ही इसको भी हम भूनेंगे, भून के बाद इसके बाद इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो हमको काम करना है वो ये करना है, थर्ड जो फेज है वो इस ब्रेड को लेकर के इसमें और घी डाल करके इसको हम थोड़ा इसको सेक देंगे ताकि ये ब्राउनिश हो जाए, उसी ब्राउनिश को हम एक यहां रख देंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हो गया, लेकिन इसके बाद जो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, वो है इज माय फिंगर्स, बिकॉज इट इज लोडेड विद माय लव एंड माय अफेक्शन टू यू ऑल गाइस। बिकॉज कोई भी चीज आप बनाते हो, कुछ भी आप बनाते हो, उसमें अगर आपका प्यार सम्मिलित नहीं है, उसमें आपका इमोशंस नहीं अटैच है, इट इज यूजलेस। सो आई एम गिविंग इट यू विद माई फुल लव एंड अफेक्शन टू यू ऑल। I will show it when it will be completed. Now it's for the time, it's okay. Okay. दूध वगैरह और इसमें हम इसको पोर कर दे रहे हैं, ताकि ये है शाही टुकड़ा और इसको हम इसमें पोर करके ये उन्हीं का बनाया हुआ है, बस हम इसको गार्निश कर रहे हैं, है? और ऊपर से हमने इसमें डाल दिया इलायची पाउडर और ये है मलाई है और ऊपर से थोड़ा ये डाल के और हमारा शाही टुकड़ा रेडी हो गया है। ओके बाय बाय। आज मैं बिग बॉस के घर में सबको बताने के लिए बनाने जा रही हूँ कटहल दो प्याजा।
आजकल लॉकडाउन का समय है, नॉनवेज मिल नहीं रहा है, तो नॉनवेज की कमी हम पूरी कैसे करेंगे? कटहल से। और इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन में। कटहल तो कैसे बनाने के लिए, ये कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, मैंने ऑयल डाला हुआ है। तैयारी के लिए मैंने चॉप अनियन, बॉइल्ड कटहरी छोटी वाली कटहल, फ्रेशली चॉप अदरक लहसुन मिर्चा, गरम मसाला दरदरा पिसा हुआ, लाल मिर्च और तेज पत्ता। इसके अलावा मुझे धनिया और हल्दी पीसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं बताती हूँ, ये ऑयल मस्टर्ड ऑयल है, पीस हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं तेज पत्ता और लाल मिर्च। तेज पत्ता और लाल मिर्च डालने के बाद जो चॉप अनियन थे उसमें से आधी अनियन डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें अनियन बढ़ चुकी है, इसको हमें लाल करना है। आधी अनियन मैंने डाली है, ये लाल होती रहेगी। इसी बीच इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन मिर्च जो पिसी हुई थी। देख सकते हैं कि मेरी प्याज अब लाल हो गई है, ठीक है। इसमें हम ये जो मेरी कटहरी उबली हुई रखी थी इसको हम डाल रहे हैं। इसमें हमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर। आँच स्लो कर लेनी है और बची हुई सारी नमक इसके सॉरी अनियन इसके ऊपर लगा देनी है। पूरी से मिक्स करके आँच एकदम स्लो और इसको हम अब ढक देंगे। नमक अभी नहीं डाला है मैंने, उसको अभी ढक देंगे। दस से 12 मिनट लगे, इसको पूरा ये गल चुका है और इसको मैं बस चला ले रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, जो भी आपको जितना पसंद है। और जो मैंने ये कूटे मसाले रखे थे, सारे खड़े मसाले गरम मसाले थे, इनको भी इसके ऊपर डाल दूंगी और इनको अगले 10 मिनट के लिए फिर से वैसे ही ढक दूंगी। अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये ऐसा है, पक गया है पूरा। पूरा गल चुका है कटहल, अब हमें आँच तेज करनी है और इसको सिर्फ भून लेना है। खूब अच्छा लाल हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप देखें तो पूरी तरह से तेल छोड़ दिया है और एकदम ये बनके खाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल नॉनवेज खाने वालों को नॉनवेज का मजा देगी और वेजिटेरियंस को भी नॉनवेज का मजा दिला देगी। मेरा कटहल जो प्याजा बन के एकदम तैयार है, इसमें ऑयल छोड़ दिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। इसको मैं बर्तन में खाली कर दूँगी, तो मैं इसको निकाल दी हूँ। ये मैं निकाल चुकी हूँ इसमें। अब इसको मैं अदरक और हरी मिर्च से सजा दूंगी।